जैसे कि आप देख सकते हैं कि चौथे भाव के ऊपर जो जानकारी मैंने ग्रुप में दी है, ये हमारे पीडीएफ लेसन में भी है, तो वहाँ पर कुछ विस्तार से है। और यहाँ पर जो मुख्य पॉइंट हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। हम सभी जानते हैं कि कालपुरुष कुंडली के अनुसार चौथे भाव में कर्क राशि आती है। चौथा भाव जो है हमारी माता, भूमि, वाहन, घर, शिक्षा आदि के संबंध में जो है देखा जाता है। चौथा भाव ही हमारा जो होता है हमारे चेस्ट एरिया का होता है, हमारी श्वसन प्रणाली का होता है। तो इससे संबंधित कोई भी दिक्कत होती है तो चौथा भाव पीड़ित उसमें समझा जाता है। इसके अलावा जिस प्रकार से हम शिक्षा के लिए देखते हैं, तो दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पंचम भाव, ये एक तरह से शिक्षा के भाव हैं, कोई कम कोई ज़्यादा। दूसरा भाव क्योंकि सबसे पहले जो है माता से, क्योंकि बोलना जब बच्चा सीखता है मौखिक रूप से। तीसरा भाव जो है कालपुरुष कुंडली में, जैसे मिथुन राशि आती जिसका स्वामी बुध है जो कि शिक्षा का कारक भी है। चतुर्थ भाव जो है ये शिक्षा के लिए, और पंचम भाव जो है ज्ञान के लिए। तो इनका जो इनमें डिफरेंस है कि जिस प्रकार से बुद्धिमान शिक्षित हो और शिक्षित बुद्धिमान हो, ये ज़रूरी नहीं है। पंचम भाव को ज्ञान का हम मानते हैं, हालांकि वैदिक में पंचम भाव को शिक्षा से जोड़कर देखा गया है, जबकि हम चौथे भाव से शिक्षा को लेते हैं। तो पंचम भाव ज्ञान को हम लेते हैं जो कि अंतरात्मा से मिलता है। इसके अलावा चौथा भाव जैसा कि हम जानते हैं माता का है, सुख का है, तो शीतलता जो है या बोलना चलना भी जो है माता से ही सीखता है। तो प्रथम गुरु के रूप में माता जो है जानी जाती हैं। इसके अलावा शिक्षा के लिए जैसे दूसरा घर अर्जित ज्ञान का है, तीसरा लेखन का, छपाई का, चौथा प्राथमिक शिक्षा का, पांचवा ज्ञान का, समझदारी का, नौवां घर उच्च शिक्षा का। तो इन सब का एक तरह से आपस में जुड़ाव है। हालांकि तीसरा भाव जो है वो एक तरह से, क्योंकि चौथे का व्यय भाव है, तो कई बार शिक्षा पूर्ण होने के लिए भी तीसरे भाव को देखा जाता है, और कई बार किसी प्रकार से कोई रुकावट आ जाए तो 3 8 12 या 3 5 8 12 इस तरह से लिया जाता है। 5 इसलिए कई बार रुकावट में लिया जाता है क्योंकि पहले के समय में क्या होता था, बहुत से लोग ऐसे होते थे वो शिक्षा की तरफ ना जाकर वो किसी ना किसी आश्रम, गुरु या किसी प्रकार से ऐसी तरफ चले जाते थे वहाँ पर सिर्फ वो ज्ञान के लिए, लेकिन वो शिक्षा से अलग तरह का ज्ञान, तो वो शिक्षा छोड़कर दूसरे ज्ञान की तरफ चले जाना। कई पीर पैगंबरों की तरफ जुड़ जाते थे जाकर, वहाँ सेवा करना शुरू कर देते थे, फिर वहाँ लगभग कई वर्ष बिताने के बाद तो फिर वो वैसे ही उपदेशक जो बातें हैं वो करते थे। तो इस प्रकार से काफ़ी अंतर होता था, जबकि आज के समय में तो शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 4 9 11 भाव, चौथा और नवम भाव और 11वां भाव, इस प्रकार से। इसके अलावा चौथा भाव जो है जिस प्रकार से माता का है, संपत्ति का है, वाहन का है, तो इन सब से जुड़ी हुई बातों के लिए भी चौथे भाव को लिया जाता है। यदि गाड़ी, वाहन या मकान वगैरह या प्रॉपर्टी वगैरह यदि हमने खरीदनी है तो चौथे भाव को हम लेते हैं, जो कि वाहन, प्रॉपर्टी, मकान आदि के लिए। 12वां भाव उसके ऊपर किए गए खर्च को, और 11वां भाव जो है वो इच्छा पूर्ति को। तो इसलिए चौथे भाव के उपनक्षत्र को जो कि 4 11 भाव 12 भावों का कार्यश हो, तो वो खरीद कर उसमें जो है इच्छा पूर्ति हो सकती है। लेकिन यदि बेचने के संबंध में बात आए तो वहाँ पर दशम भाव के उपनक्षत्र को लिया जाता है। तो उसके लिए उदाहरण में जब हम लेंगे तो उसको मैं आपको वहाँ पर चार्ट में ज़्यादा
बढ़िया से पता चलेगा। यहाँ पर उस प्रकार से नियम को विस्तार से बताया गया है। इसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में यदि हम देखें सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, यहाँ पर कुछ सीमित रूप में ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। इसके अलावा चौथे भाव के उपनक्षत्र स्वामी का संबंध हर प्रकार के भाव से यदि हो तो किस प्रकार से फल मिलते हैं, या फिर जब हम प्रश्न लेते हैं तो प्रश्न में जब हम जैसे शिक्षा का देख रहे हैं तो चौथे भाव का उपनक्षत्र स्वामी 9-11 का कार्येषु, तो यहाँ पे जैसे लिखा है नवम भाव उच्च शिक्षा, तो उच्च शिक्षा के संबंध में अब यदि कोई प्रश्न पूछता है मैं विदेश में शिक्षा के लिए, तो चौथे भाव का उपनक्षत्र स्वामी 4-9-12 इस तरह से, तो वो विदेश में शिक्षा के लिए, तो ऐसे पॉइंट्स इस तरह से जुड़ते हैं। इसके अलावा चौथे भाव का उपनक्षत्र स्वामी जैसे 11वें भाव से संबंध हो तो फिर चौथे भाव की जो कारक चीजें हैं उनसे लाभ लिया जा सकता है। तो ऐसी बातें यदि हम भाव को इस तरह से भावों को देखते हुए समझें तो हमें ज़्यादा आसानी होती है। इसके अलावा यहाँ पर जो ये कुछ कॉम्बिनेशन दिए हैं उच्च शिक्षा के 4-9-11 बुध गुरु, औसत शिक्षा, शिक्षा में रुकावट, शिक्षा में अरुचि, शिक्षा बंद होना, स्कूल कॉलेज यानी कि एडमिशन की, क्या कॉलेज में एडमिशन होगा या स्कूल में एडमिशन होगा, तो ये उस समय होरारी प्रश्न के द्वारा देखा जाने वाला प्रश्न, घर वाहन खरीदना 4-11-12 कारक हैं मंगल शनि, वाहन के लिए शुक्र, इसी प्रकार से वाहन चोरी होना, घर आना, दूसरा भाव परिवार, चौथा भाव घर, 11वां भाव इच्छा पूर्ति, घर आना यानी परिवार के साथ आकर मिलना, घर भूमि बेचना दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी, या चौथे भाव का उपनक्षत्र स्वामी 3-5-10, हालांकि दशम भाव के उपनक्षत्र स्वामी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। परीक्षा में असफलता चौथे भाव का उपनक्षत्र स्वामी 3-6-8-12 इन भावों का कार्येषु, तो असफलता मिलती है। तो इस प्रकार से ये कुछ नियम भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर चौथे भाव के संबंध में हम समझ रहे हैं यदि हम हर प्रकार के नियम को, हर प्रकार के प्रश्न के नियम को समझते हुए विश्लेषण करते हैं तब हमें आसानी होती है किसी भी प्रश्न को हल करने में। अभी जैसे एक मैं प्रश्न लेने जा रहा हूं यहां पर, और ये प्रश्न है कि एक जातक जो है वो अपना घर बेचना चाहते थे लेकिन उनकी डील नहीं फाइनल हो रही थी, काफी समय से प्रयास कर रहे थे। तो पहले एक बार वो प्रश्न लेकर आए थे, जिस समय ये मैंने प्रश्न लिया इससे कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले लेकर आए थे, तब वक्री ग्रहों के प्रभाव से उनको मैंने ये बोल दिया था कि अभी वक्री ग्रहों का प्रभाव है उनके प्रश्न के अनुसार, तो इसलिए कुछ समय बाद आए, तो फिर ये बाद में मेरे पास आए थे। म्यूट कर लीजिए, कहीं से आवाज आ रही है। तो सर ये 1 मिनट पूछ लूं। जी सर ये हायर एजुकेशन के लिए तो हम 9th को ही मेन मानेंगे, 9th या 11th को। हायर एजुकेशन के लिए 9th को भी लिया जाता है, और पीएचडी जैसी या के लिए हायर डिग्री के लिए 11th हाउस को भी कंसीडर करते हैं। हाँ, तो 9th का कस्कल सब लॉर्ड या 11th का कस्कल सब लॉर्ड देखें। जी जी तो अभी ये जो हम उदाहरण ले रहे हैं, सर ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को किस में लेंगे? कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है, अब एग्जाम की बात आ जाए, जब परीक्षा की बात आती है तो हम चौथे भाव को परीक्षा से जोड़ते हैं। चौथे भाव का उपनक्षत्र स्वामी यदि 4-11 वो बात हो जाती है कि पास हो जाएंगे, और यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो 6-6 भाव जो है वो कॉम्पिटिशन के लिए होता है, तो इसलिए फिर हम चौथे भाव का उपनक्षत्र स्वामी 4-6-11 भावों का कार्येषु हो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलती है, इस प्रकार से उसको हम देख सकते हैं। जैसे सर बच्चे जो हैं 12वीं क्लास के बाद में जो है वो कई प्रकार की कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में
वो प्रवेश करना चाहते हैं, वो एग्जाम देते हैं, तो वो कैसे देखेंगे सर? वो भी उसी तरह से चौथे भाव का उपनक्षत्र स्वामी, एग्जाम कोई भी हो तो चौथे भाव का उपनक्षत्र स्वामी है। अब जहां पे कंपटीशन की बात आ जाए वहां पे छठा भाव भी जुड़ जाएगा। 4 और 11 परीक्षा में सफलता, 4 6 11 कॉम्पिटिटिव में, इस तरह से। तो छठा भाव कंपटीशन का होता है। अब ये देखिए कि लगन से स्वयं जातक हुआ, सप्तम भाव से जिनसे कंपटीशन है यानी ओपोनेंट है या राइवल पार्टी है या राइवल जो भी हम कह सकते हैं कि अन्य लोग हैं, तो लगन से छठा भाव स्वयं की जीत तो सामने वाले की कमी होती है, ठीक है। और यदि 12वां भाव आता है तो हम कहते हैं कि हमारी एक तरह से हमारा नुकसान हुआ लेकिन सामने वाले की प्राप्ति हुई। तो चौथे भाव का उपनक्षत्र स्वामी यदि मान लो 12वें भाव का कारेश हो तो ऐसे में ये होता है कि फिर कहीं ना कहीं अपने आप को लॉस होना, इस तरह से। छठे भाव का कारेश हो तो स्वयं के लिए एक तरह से प्राप्ति जीत, इस तरह से जी। उसके ऊपर भी हम कई उदाहरणों को करेंगे। अभी जो मैं उदाहरण ले रहा हूँ ये हाउस सेल डील के ऊपर है और ये प्रश्न जो है 19 नवंबर 2020 को शाम के 7:28 लुधियाना में लिया गया। और यहाँ पर मैं होरारी चार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं डाटा भर चुका हूँ, आज की तारीख को मैं नहीं लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ज़ीरो करके मैं ओके करूँगा। अब उसके बाद जो होरारी नंबर है, होरारी नंबर उन्होंने 2 नंबर दिया था, तो होरारी नंबर 2 के साथ 19 नवंबर 2020 शाम को 7:28 पर यह प्रश्न लिया गया था लुधियाना में। अब जैसा कि आप समझते हैं कि और जानते भी हैं कि होरारी प्रश्न है, सबसे पहले हम चंद्रमा के द्वारा प्रश्न की सार्थकता को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम नियम को जान लें क्योंकि वो नियम ही जो है वो हमें प्रश्न की सार्थकता और आगे जो डेस्टिनी है या प्रॉमिस है प्रश्न के अनुसार उसको हम देखेंगे। तो अब देखिए ये लगन से स्वयं जातक हुआ, ये घर बेचना चाहता है, चौथा भाव घर का हुआ, लेकिन घर बिकेगा तब जब कोई खरीदार होगा, तो सप्तम भाव हुआ ओपोनेंट का यानी खरीदार का। अब किसी को घर की जरूरत होगी तभी वो खरीदेगा, तो यहां पर ओपोनेंट जो है सप्तम भाव से वो अपने लिए घर खरीदेगा, तो उसका चौथा भाव जातक की कुंडली में दशम भाव हुआ। तो यानी कि अगर कोई घर बेचना चाहता है और वो इसके लिए एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, तो जिसको घर लेने की इच्छा होगी या अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने की इच्छा होगी वो उससे कांटेक्ट करेगा। तो यहाँ पर इसलिए दशम भाव को लिया जाता है, क्यों? क्योंकि जातक के लिए मुख्य भाव उसका उसका घर हो गया जो वो बेचना चाहता है। यदि वो घर खरीदेगा जातक तो हम चौथे भाव को लेंगे, लेकिन यदि अब वो बेचना चाहता है, उसका व्यय है एक तरह से, तो खरीदार की जरूरत है जो कि अपने लिए घर लेना चाहता है, इसलिए हम दशम इसलिए दशम भाव को लिया जाएगा। तो यहां पर दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी 3 5 10 या फिर 3 5 6 10। तो तीसरा भाव इसलिए क्योंकि चौथे का व्यय भाव, पांचवा भाव इसलिए क्योंकि ओपोनेंट का लाभ भाव हो गया, उसकी इच्छा पूर्ति है, उसकी इच्छा है घर लेने की। छठा भाव इसलिए क्योंकि ये जातक को प्राप्ति देगा। और दशम भाव इसलिए क्योंकि ओपोनेंट का घर हो गया। तो दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी 3 5 10 भावों का कार्येषु या 3 5 6 10 भावों का कार्येषु, तो घर अवश्य बिकेगा इन्हीं भावों के कार्येष ग्रहों की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में। अब यहां पर ध्यान दें, इन शॉर्ट जैसा कि मैंने आपको बताया, हालांकि
मैं यहाँ से नहीं देखता, मैं हमेशा कंप्लीट टेबल से देखता हूँ। फिर भी इन शॉर्ट यदि देख रहे हैं तो ये देखिए जो नियम है कि दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी 3, 5, 6, 10 का कार्यश हो तो घर बिकेगा। अब यहाँ पे चंद्रमा की सार्थकता देखिए, यहाँ पे 7, 10, 6, 5, सातवां जो है ओपोनेंट हो गया, दशम भाव जो है वो उसके घर खरीदने के लिए हो गया, छठा भाव है जो जातक को प्राप्ति होगी, और पांचवां भाव जो है जो घर खरीदना चाहता है उसकी इच्छा पूर्ति का भाव। तो यहीं पर ही हमें एक तरह से इन शॉर्ट जो है इसके सिग्निफिकेटर मिल रहे हैं। फिर भी मैं यहाँ पर हमारा जो कंप्लीट है 2 प्रकार के टेबल में यहाँ पे खोल रहा हूँ। तो अब सबसे पहले देखिए चंद्रमा जो है दशम भाव में स्थित है, पांचवें भाव का स्वामी है, सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य जो है सातवें भाव में स्थित है, छठे भाव का स्वामी है, चंद्रमा आगे गुरु के ही उपनक्षत्र में है, गुरु जो है दशम भाव में स्थित है, दशम का ही स्वामी है। अब यहाँ पर इसके अलावा हम देखते हैं चंद्रमा जो है अनटेनेंटेड है, तो अनटेनेंटेड होकर चंद्रमा जो है 1 से 12 भाव में किसी भाव का उपनक्षत्र स्वामी नहीं है, और 1 से 12 भाव में 11वें भाव का नक्षत्र स्वामी है, इच्छा पूर्ति का भाव। और इसके अलावा यदि हम देखते हैं यहाँ पर हमें चंद्रमा गुरु के साथ उसकी युति है, शनि के साथ भी उसका संबंध है, तो आप ये देखिए चंद्र शनि तो इनकी युति है, और गुरु के साथ भी है, यानी कि गुरु जो है बिल्कुल अंतिम डिग्रियों पर है धनु राशि में, और चंद्रमा जो है शुरुआती डिग्री में है मकर राशि में, इसलिए इनकी युति हो रही है। हम देख भी सकते हैं इसको, चंद्रमा मकर में देखिए 2 डिग्री पर है, और गुरु जो है धनु में बिल्कुल अंतिम डिग्री 29 डिग्री 56 कला, तो इसलिए इन दोनों की युति। और चंद्र और की शनि के साथ भी है, तो शनि 3 डिग्री जबकि चंद्र मकर में 2 डिग्री, तो ये संबंध हमें यहाँ से आसानी से देखने में पता चलते हैं। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि चंद्रमा के द्वारा प्रश्न की सार्थकता साफ तौर पर दिख रही है। तो यहाँ पर चंद्रमा जो है दशम भाव सामने वाले के घर खरीदने के संबंध में, उसकी इच्छा पूर्ति के संबंध में, ओपोनेंट के संबंध में, स्वयं छठे भाव प्राप्ति के लिए, तो ये पूरी तरह से सार्थकता दिख रही है। और चंद्रमा जो है अनटेनेंटेड होकर 11वें भाव का नक्षत्र स्वामी, यानी कि इच्छा पूर्ति। अब यहाँ पर दशम भाव के उपनक्षत्र को देखते हैं, दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी है गुरु, और गुरु को हम यदि देखते हैं तो द्विस्वभाव राशि में है, और गुरु को हम देखते हैं दशम भाव में स्थित है, दशम का ही स्वामी है, सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य सातवें भाव में स्थित है, छठे का स्वामी है, और गुरु आगे राहु के उपनक्षत्र में दूसरा भाव, और राहु जो है शुक्र की राशि में 7, 2, 3, 7, यानी शुक्र सातवें में स्थित है, 2, 3, 7 का स्वामी है। तो अब आप सभी बता सकते हैं कि क्या नियम के अनुसार दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी गुरु जो है प्रॉमिस दे रहे हैं? दे रहा बिल्कुल दे रहे हैं। तो यहां पर गुरु प्रॉमिस दे रहे हैं, और यहां पर भी हम देख सकते हैं कि 3, 5, 6, 10 अधिकतर भाव आ रहे हैं। अब बात आती है किस दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा में जो है घर बिकेगा या फिर डील फाइनल होगी। तो 3, 5, 6, 10 इन भावों के कार्येश ग्रहों की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा में तीसरे भाव का इकलौता कार्येश शुक्र है, जिसका नक्षत्र मंगल है और उपनक्षत्र स्वयं शुक्र है। पांचवें भाव का इकलौता कार्येश चंद्र है, तो चंद्र सूर्य के नक्षत्र में है, गुरु के उपनक्षत्र में है, और सूर्य गुरु यदि हम यहाँ देखें तो सूर्य महादशा स्वामी, गुरु अंतरदशा स्वामी। अच्छा, उसके बाद छठे भाव के कार्येश देखें, गुरु शनि सूर्य चंद्र, तो महादशा स्वामी अंतरदशा स्वामी हमें यहाँ भी मिल गए। और 11वें भाव के कार्येश देखें, 3, 5, 6, 10 दशम भाव के कार्येश देखें, सूर्य गुरु यहाँ भी मिल गए, चंद्र शनि और गुरु, यानी कि महादशा स्वामी और अंतरदशा स्वामी यहाँ पर हमें मिल चुके हैं। तो सूर्य महादशा स्वामी, इसको हम स्टडी करते हैं
अच्छा का रेश है 6 10 11 का, उप नक्षत्र पर भी 10 11, साथ में 12वां भाव आ रहा है, तो कुछ ना कुछ मन माफिक जो है हम कहते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा जो पेमेंट एक तरह से जो प्रॉपर्टी का मूल्य मांगा जाता है पूरा उतनी तरह से नहीं, कुछ ना कुछ थोड़ी कमी रह सकती है। महादशा स्वामी सूर्य पॉजिटिव है अपने उप नक्षत्र पे 10 11 दे रहे हैं और अच्छा सा कारेश भी है। अंतरदशा स्वामी गुरु को देख लें, गुरु भी जो है 6 10 दे रहे हैं उप नक्षत्र पर, राहु दूसरा भाव धन भाव दे रहा है, शो कंसोलिडेटेड पर करते हैं तो गुरु ये ऊपर आप देख सकते हैं उप नक्षत्र पर 2 3 6 7 सभी भाव बढ़िया हैं, यानी कि महादशा स्वामी सूर्य अंतरदशा स्वामी गुरु ये पॉजिटिव हैं। और यहाँ पर सूर्य और गुरु, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ रूलिंग ग्रह भी मैं एक बार आपको दिखाऊंगा, तो अब इसके बाद प्रत्यंतर दशा की तरफ चलते हैं। प्रत्यंतर दशा जो है सबसे पहले तो शुक्र की प्रत्यंतर दशा, फिर सूर्य की प्रत्यंतर दशा, फिर चंद्र की प्रत्यंतर दशा, ये जो मेष लगन है यानी चर लगन का है, और शुक्र से हम शुरू करते हैं। और यहाँ पर एक और बात कि चंद्र शनि का संबंध है, पुनर्फू भी है। प्रश्न 19 नवंबर 2020 को पूछा गया था, शुक्र की प्रत्यंतरा जो है 30 नवंबर 2020 तक है, तो शुक्र की प्रत्यंतरा, और यहाँ पर वो डील फाइनल के संबंध में कई जगह पर बातचीत कर रहे थे, तो चंद्र और शनि का संबंध पुनर्फू तो इसको हम छोड़ सकते हैं। आगे सूर्य की प्रत्यंतरा आ गई, सूर्य जो है अच्छा कारेश है, छठा भाव दशम और 11वां भाव नक्षत्र उप नक्षत्र पर आ रहे हैं, उसके बाद चंद्र की प्रत्यंतरा को देखें तो चंद्र जो है ये भी पॉजिटिव है, हालांकि आगे भी पॉजिटिव भाव ही दिख रहे हैं यदि हम देखें तो। चंद्र और शनि का संबंध पुनर्फू, इसके बाद सूर्य की प्रत्यंतरा, और सूर्य जो है ये भी पॉजिटिव है, सूर्य की प्रत्यंतरा जो है 30 नवंबर 2020 से लेकर 15 दिसंबर 2020 तक, और यहां पर 14 दिसंबर 2020 को उन्होंने इन्फॉर्म किया था कि 1 दिसंबर 2020 को, यानी कि जो कि 30 नवंबर से ही सूर्य की प्रत्यंतरा शुरू हुई थी, और शुरू उसके बाद 1 दिसंबर को, 1 मिनट, 1 दिसंबर 2020 को उनको जो है एडवांस या टोकन मनी ये जो है उनको मिल गई थी, और आगामी जो है 3 महीने में बाकी पेमेंट के संबंध में उनको जो है एक तरह से एग्रीमेंट हुआ था कि 3 महीने में बाकी की जो है रकम उनको मिलेगी। तो इस प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि जो ये उदाहरण था घर बिकने के संबंध में, डील के संबंध में, सबसे पहले हमने चंद्रमा के द्वारा प्रश्न की सार्थकता देखी, उसके बाद दशम भाव के उप नक्षत्र स्वामी के द्वारा देखा कि नियम के अनुसार बहुत ही अच्छे भावों का कार्य था, बिल्कुल पॉजिटिव भाव। उसके बाद महादशा, अंतरदशा, और फिर उसके बाद प्रत्यंतर दशा, हालांकि शुक्र भी बढ़िया थी लेकिन पुनर्फू के द्वारा कारण उसको छोड़ा गया। और सूर्य की प्रत्यंतरा में सूर्य गुरु, सूर्य के पीरियड में उनकी डील फाइनल हुई और घर बिका। तो किसी का यहां पर कोई प्रश्न? सर ये एक प्रश्न है, ये टेनेंट एंड टेनेंट से रिलेटेड है। यहाँ पर जो है गुरु जो है, अगर मान लीजिए कि वो टेनेंटेड है और वो सब लॉर्ड भी किसी का नहीं बना, भाव का स्टार लॉर्ड भी नहीं बना, तो फिर आगे उसको कहाँ पर देखेंगे? ये क्लियर नहीं हुआ मुझे। देखिए यहाँ पे दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी गुरु तो वैसे अनटेनेंटेड है,
हालांकि मैंने आपको ये बताया था कि यदि हम सीधे तौर पे हमें भाव मिल रहे हैं तो हम टेनेंटेड अनटेनेंटेड ना भी देखें तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हमें जो भाव चाहिए वो हमें अच्छे प्रॉमिस के तौर पे मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गुरु अनटेनेंटेड है तो अनटेनेंटेड होकर देखते हैं 1 से 12 भाव में गुरु जो है दशम भाव, तो दशम भाव क्या है, सामने वाले का मकान हो जाएगा। तो 3, 5, 6, 10 में दशम भाव भी पॉजिटिव है तो कोई ऐसी बात नहीं। अगर मान लो ये अनटेनेंटेड ना होता तो गुरु का उपनक्षत्र राहु, राहु आगे जो है मंगल के नक्षत्र में 1, 8, 9, 12 जो कि निगेट है, ठीक है। हालांकि यहां पे तो गुरु अनटेनेंटेड है, लेकिन अगर मान लो गुरु अनटेनेंटेड ना होता, टेनेंटेड होता, तो हम ये देख रहे हैं कि गुरु का उपनक्षत्र राहु आगे 1, 8, 9, 12 रुकावट परेशानी दे रहा है। लेकिन मैंने आपको ये बात ये बताया हुआ है कि जब उपनक्षत्र पर दोहरी स्थिति होती है तब हम देखते हैं कि टेनेंटेड अनटेनेंटेड, तो यहां पर तो दोहरी स्थिति का भी सवाल नहीं है। गुरु दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी प्रॉमिस भी दे रहा है, उपनक्षत्र पर भी पॉजिटिव है, तो सीधी सी बात है डील होगी, घर बिकेगा। और उसके बाद 3, 5, 6, 10 भावों के कार्यज ग्रह हमने लिए। अब यहां पे 3, 5, 6, 10 के देखें तो शुक्र चंद्र गुरु शनि सूर्य, सूर्य गुरु चंद्र शनि गुरु, ठीक है। तो अब यहां पे जब कई ग्रह आ गए तो हम रूलिंग ग्रहों की मदद ले सकते हैं। अब यदि आप सबने साथ में कॉपी पेन लिया है तो मैं रूलिंग ग्रहों को भी बताता हूं, और यहां पे फिर वही पॉइंट आ जाएगा बड़ा इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले रूलिंग ग्रहों को देखने के लिए, क्योंकि ये होरारी चार्ट है, होरारी नंबर के साथ है, तो रूलिंग ग्रहों को देखने के लिए मैं पहले तो इसको सेव करूं क्योंकि फिर इसको मुझे खोलने की जरूरत होगी। एडिट पर जाऊंगा, होरारी नंबर को मैंने हटाया यानी बर्थ चार्ट पे क्लिक किया, मतलब कि अब ये होरारी नंबर के बिना उस टाइम का चार्ट बन गया, क्योंकि मुझे रूलिंग ग्रह देखने हैं, ठीक है, क्योंकि पुराना उदाहरण है। ये सब रूलिंग रे जो है ये उसी पुराने टाइम के आएंगे। हाँ बिल्कुल, ये देखिए 19 नवंबर 2020 शाम के 7:28:28 लुधियाना, तो ये उस समय मैंने चार्ट लिया था ना, 19 नवंबर 2020 को शाम को इतने बजे लुधियाना। तो अब रूलिंग ग्रह देखिए, मंगल बुध सूर्य शनि गुरु, तो सूर्य महादशा स्वामी गुरु अंतरदशा स्वामी, सूर्य गुरु दोनों आ गए, ठीक है। और यहाँ पे लग्न का उपनक्षत्र क्या है, सूर्य है, चंद्र का उपनक्षत्र गुरु है, तो वहां पर भी तो ये रूलिंग ग्रह हमारे हुए। और इसके अलावा, इसी में सर एक प्रश्न है इसके अलावा कि एक जी मिनट, राहु शुक्र की राशि में है, केतु मंगल की राशि में है, तो शुक्र क्या आया है, नहीं आया, तो इसलिए राहु को नहीं लेंगे। केतु मंगल की राशि, क्या मंगल आया है, आया है, तो केतु भी रूलिंग ग्रह हो गया। अब रूलिंग ग्रह क्या हुए, मंगल बुध सूर्य शनि गुरु और केतु, ठीक है। तो अभी मैं पहले ये चार्ट एक बार फिर उसी को ही ओपन कर लेता हूं। तो अब जो उनका बिका था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 दिसंबर 2020 को, तो 1 दिसंबर 2020 को हम देखते हैं सूर्य गुरु सूर्य सूर्य। हालांकि यदि यहां पे आप देखते हैं तो महादशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा पॉजिटिव है, और इसके बाद जो सूक्ष्म दशा है हालांकि वो भी पॉजिटिव है, सूर्य गुरु सूर्य सूर्य। और लगभग आप यहाँ पे 3, 5, 6, 10 देखें, केतु भी पॉजिटिव है, यहाँ पे तीसरा और शुक्र भी पॉजिटिव है, यहाँ पे 10, 11 सूर्य भी पॉजिटिव है, यहाँ चंद्र 10 दे रहा है ये भी, तो लगभग सभी पॉजिटिव हैं। और जब सभी पॉजिटिव हैं तो हम एक तरह से जब ये प्रत्यंतर दशा सूर्य की शुरू हुई, एक तरह से उसके तुरंत बाद ही कुछ दिनों में हो जाना चाहिए। इसके अलावा उस समय का ट्रांजिट देख सकते हैं।
अब ट्रांजिट किस तरह से देखेंगे, क्योंकि सूर्य जो है तेज गति का ग्रह है, अंतरदशा स्वामी गुरु जो है धीमी गति का ग्रह है, तो सूर्य और गुरु, और प्रत्यंतर दशा भी सूर्य की है, तो सूर्य और गुरु का गोचर उस समय के दौरान यदि हम देखते हैं, सूर्य और गुरु का गोचर यदि हम देखते हैं, तो ये एक दिसंबर 2020 और ऑल प्लैनेट सब लॉर्ड चेंज, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उस समय सूर्य जो है तेज गति का शनि के नक्षत्र से गोचरी है, मंगल की राशि शनि के नक्षत्र गुरु के उपनक्षत्र से, और गुरु अंतरदशा स्वामी जो कि धीमी गति का ग्रह, वो अपने ही उपनक्षत्र से गोचरी, और गुरु पॉजिटिव था, हमने देखा था दशम भाव का उपनक्षत्र गुरु ही था। तो यहां पर अब यहां पर हम यदि हम देखते हैं ट्रांजिट में, तो पहले दो स्टेप पे देखते हैं, तो गुरु जो है वो 10/6 पॉजिटिव है, और सूर्य जो है वो शनि के नक्षत्र से, क्योंकि तेज गति का ग्रह है, तो शनि यदि आप देखें 10/11, और पहले दो स्टेप पे 6, 10, 11 भाव मिल रहे हैं, तो एक तरह से पॉजिटिव है, ट्रांजिट भी पॉजिटिव है। जी, और क्या पूछना चाहते थे? मैं ये पूछना चाहता था सर कि मेरे दो प्रश्न अभी थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा। अब यहाँ पर जैसे हमने रूलिंग प्लैनेट्स देखे हमने, तो इन रूलिंग प्लैनेट्स में इसमें वक्री जो रूलिंग प्लैनेट्स होंगे उनको हटा देंगे या नहीं हटाएंगे? उसके लिए पहले तो हम ये देखते हैं कि वक्री है कोई, तो उस समय कोई वक्री नहीं था। अगर मान लीजिए सर जैसे कोई वक्री होते तो फिर उसको इस मतलब इससे उदाहरण से नहीं, मान लीजिए रूलिंग प्लैनेट हम देखें और कुछ प्लैनेट उसमें वक्री हों तो क्या उनको हटा देंगे? मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि इन्होंने कुछ महीने, जो ये तारीख है 19 नवंबर, तो मैं ये आपको, मैं इसको क्लियर भी करता हूँ, 19 नवंबर 2020 को मैं यदि एफी मरीज में खोलता हूँ, पंचांग एंड केपी एफी मरीज में, क्योंकि आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से पता चले, तो मैं 2020 की तरफ चलता हूँ, 2020 आ गया, ठीक है, और ये तो था नवंबर का महीना। इन्होंने प्रश्न पूछा था 19 नवंबर को, और आप देख रहे हैं इससे पहले मंगल वक्री था, बुध भी वक्री होकर हटा है, और मैं नवंबर से पिछले महीने अक्टूबर में चले जाता हूँ, तो यहाँ पे बुध मंगल ये दिख रहे हैं, सितंबर में चले जाता हूँ तो गुरु, और यहाँ पे फिर मंगल, और उससे भी पीछे अगस्त में चले जाता हूँ तो गुरु। तो मैंने आपको बताया कि इन्होंने इस प्रश्न पूछने से पहले भी संपर्क किया था, तब मैंने इनका, जब मैंने हुरारी लिया था तब वक्री ग्रह आ गया था, तब मैंने जैसे मान लो कि दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो आया था वो वक्री ग्रह के नक्षत्र में था, तो मैंने इनको ये बोला था कि अभी उचित समय नहीं है, अभी आपका काम नहीं होगा, क्योंकि मुख्य भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है वो वक्री ग्रह के नक्षत्र में आया है, और उस समय एक दो रूलिंग ग्रह भी वक्री थे, तब मैंने इनको बोला था कि अभी ऐसा उचित समय नहीं है, आप जो है कुछ समय बाद मुझसे प्रश्न पूछे, तो इन्होंने मुझसे पूछा था कब पूछूं मैं, तब मैंने इनको ये कहा था देखकर कि लगभग जब मैंने देखा नवंबर का महीना, फिर आगे अब जैसे दिसंबर का महीना, ये क्लियर है, क्लियर कब हुआ, ये नवंबर के महीने में, तो तब मैंने इनको ये बोला था कि आप 15 नवंबर के बाद जो है मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, तब इन्होंने मेरे को 19 नवंबर को कांटेक्ट जो है किया,
कई बार ऐसा होता है, अब इसी चीज को मैं थोड़ा और आपको स्पष्ट रूप से बताऊं कि जैसे मान लो दशम भाव का उप नक्षत्र स्वामी, जैसे यहां गुरु है, अब ये वक्री हो लेकिन ये पॉजिटिव भावों का भी कार्यश है, तो इसका मतलब ये है प्रॉमिस देने की क्षमता है इसकी, लेकिन ये वक्री है, तो ये जब मार्गी होगा उसके बाद ये फल दे सकता है। तो ये पहला पॉइंट है कि यदि मुख्य भाव का उप नक्षत्र स्वामी वक्री हो लेकिन वो पॉजिटिव भावों का कार्यश हो, तो वो जब मार्गी होगा उसके बाद जो दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा जैसे हमने फेवरेबल निकाली है उस समय वो रिजल्ट दे सकता है, यानी वो कार्य हो सकता है। अब दूसरी कंडीशन कि दशम भाव का उप नक्षत्र स्वामी जो है मान लो मार्गी है, लेकिन वो अब सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य जो है ये हमेशा ही मार्गी रहता है, ये वक्री नहीं होते। राहु जो है इसको हम वक्री उस तरह से कंसीडर नहीं करते क्योंकि ये भी हमेशा राहु केतु वक्री रहते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम गुरु को नहीं ले सकते आपको उस बताने के लिए। तो मान लीजिए कोई और ग्रह मैं ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए कि मंगल को लिया। अब मंगल जो है बुध के नक्षत्र में है, और मान लो कि दशम भाव का उप नक्षत्र स्वामी मंगल है लेकिन वो बुध के नक्षत्र में, और बुध वक्री है उस समय, तो अब क्या होगा कि ये अभी उनका ये कार्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुख्य भाव का उप नक्षत्र स्वामी वक्री ग्रह के नक्षत्र में है, तो अभी ये कार्य नहीं होगा। तो हम उनको कहेंगे कि भाई अभी आपका ये कार्य नहीं हो सकता। वो पूछेगा फिर कब हो सकता है, या हम उनको कहेंगे कि आपका जो है दोबारा ये प्रश्न लिया जाएगा, वो या क्योंकि वो तो घर बेचना चाहता है, ऐसा तो है नहीं कि अब वो घर कभी बिकेगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे में दो स्थितियां हैं कि या तो जब मार्गी हो जाए ग्रह उसके बाद प्रश्न को, या फिर जो दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही है उसमें सबसे कम पीरियड, जैसे अब यहां शुक्र का है तो 30 नवंबर के बाद यदि वो मार्गी हो चुके हैं ग्रह तो तब हम प्रश्न देख सकते हैं, नहीं तो फिर जब मार्गी होंगे उसके बाद देखें। क्लियर है? कोई और प्रश्न या कोई पॉइंट? हालांकि कई एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो आजकल ये इसको कंसीडर नहीं करते, लेकिन सर कोई हाँ घटना फिक्स हो जाती है तो तब भी नहीं काउंट करते ना, जैसे भी ये घटेगी अभी कुछ टाइम में नहीं, कई बार घटना ही हाँ है जैसे। जैसे जैसे अच्छा घटेगी, जैसे घटेगी तब काउंट नहीं करेंगे, मतलब कोई जैसे चीज फिक्स हो जाती। हाँ बिल्कुल जैसे डिलीवरी है, मान लो बच्चे की होने वाली डिलीवरी है तो उसको नहीं रोका जा सकता, ठीक है। किसी की मृत्यु को नहीं रोका जा सकता, या फिर ऐसी घटना जो होनी ही होनी है, ऐसे में फिर वो वक्री ग्रहों को कंसीडर नहीं करते। मान लो कोई बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए पूछ रहा है, अक्सर क्या है कि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन भी रूलिंग ग्रहों की मदद से किया जाता है। तो कई बार क्या होता है कि मान लो किसी पर्सन ने जैसे टाइम दे दिया कि उसका 12 से 12:30 बजे के बीच जन्म हुआ है। अब वो 12 से 12:30 के बीच में नक्षत्र मान लो आ रहा है शनि का, यानी कि जब उसका जन्म हुआ था लग्न कोई है, शनि का नक्षत्र आ रहा है और रूलिंग ग्रहों में शनि वक्री है, तो ये तो है नहीं कि वो 12 से 12:30 के बीच में शनि यदि नक्षत्र के रूप में आ रहा है तो उसको छोड़ देंगे, क्योंकि वो तो कह ही रहा है कि उसका 12 से 12:30 के बीच में जन्म हुआ है और हमने उप नक्षत्र को फिक्स करना है। तो वहां पे हम उसको जो वक्री ग्रह है उसको इग्नोर करेंगे। क्लियर हुआ जी आपको? जी, किसी और का कोई प्रश्न? सर एक बार बताओ आपको, ये सब्जेक्ट विषय किस ग्रह से कौन से विषय पढ़े जाते हैं ये भी बता दो। वो एजुकेशन का जब मैं लूंगा उसको उसमें, क्योंकि देखिए क्या है कि फोर्थ हाउस से ही तो। नहीं, फोर्थ हाउस से हायर एजुकेशन में 9th हाउस को भी लेते हैं। फिलहाल मैं इस उदाहरण को, क्योंकि फिर
इसी उदाहरण के साथ तो नहीं मैं बता सकता। देखिए ऐसा होता है कि किसी जातक का हम चार्ट लेते हैं, पहले सबसे पहले आप इस पॉइंट कुछ पॉइंट्स को आप समझिए कि जो बच्चा है उसका झुकाव किस तरफ है, उसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा बढ़िया मानता है, फिर उसके अनुसार देखें कि क्या वो वैसे प्लेनेट जैसे आ रहे हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बच्चे के जो सब्जेक्ट होते हैं वहां पर, जैसे हम मान लो देख रहे हैं 9th हाउस है, अब यहाँ पे मंगल गुरु राहु है, तो राहु के लिए तो हम ये देखेंगे वो किस राशि में है। तो मंगल राहु जैसे यहाँ मंगल की राशि में है, तो 9th हाउस उच्च शिक्षा का हुआ, 4th हाउस भी शिक्षा से जुड़ा हुआ भाव है, शुक्र मंगल गुरु, अब यहाँ पे मंगल गुरु राहु है। तो अब मंगल के लिए क्या है, जैसे इंजीनियरिंग भी काउंट होती है, मैकेनिकल भी काउंट होता है, इसके अलावा सर्जरी भी काउंट होती है, इसके अलावा साइंस भी काउंट होती है, एम्यूनेशंस भी काउंट होते हैं, ठीक है। और गुरु के द्वारा क्या काउंट होता है, गुरु के द्वारा हम देखते हैं जैसे लॉ, फाइनेंस, इसके मैनेजमेंट मैनेजमेंट भी है, शिक्षा भी है, और इसके अलावा कुछ मेडिकल से जुड़े हुए भी हैं, और इसके फाइनेंस भी इज दिस इट हाँ हाँ फाइनेंस भी है, फॉरेन विदेश नीति भी है, और धर्म से जुड़े हुए कार्य भी हैं। तो कई मतलब अब क्या है कि आज के टाइम में इतने ज़्यादा सब्जेक्ट, इतने ज़्यादा काम हैं, इतनी ज़्यादा लाइंस हैं कि आप सोच नहीं सकते। आजकल बच्चों को पूछो वो कहते हैं हम तो जी वो गेमिंग के डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, या हम जो आजकल ये इंटरनेट या मीडिया से जुड़ी हुई लाइनें हैं इन लाइनों में जाना चाहते हैं, ऐसी स्ट्रीम चुनना चाहते हैं। बहुत कम बच्चे मेडिकल की तरफ, या हर किसी की अलग अलग तरह की चॉइस है, तो पहले तो उसकी चॉइस पूछी जाए। तो सर ये नक्षत्र स्वामी से रिलेटेड बता सकते हैं कि भाई ये नक्षत्र स्वामी ये है तो इससे रिलेटेड लाइन दिलवा सकते हैं कहीं राशि से? राशि और नक्षत्र ज्यादा उपयोगी होते हैं, तो उपनक्षत्र कई बार हमें ये देखने की जरूरत होती है कि क्या बॉर्डर लाइन पे तो उपनक्षत्र तो नहीं बदल रहा, क्योंकि एक्यूरेट बर्थ टाइम का भी डाउट होता है, तो ऐसे में राशि और नक्षत्र तो नहीं जल्दी बदलते। तो चौथे भाव और नवम भाव, हालांकि इनके हम इस तरह से देख सकते हैं जैसे शुक्र है, मंगल है, गुरु है, अब यहाँ मंगल गुरु राहु है, और राहु जो है वो मंगल की ही राशि में है, तो अब कौन से प्लेनेट मिले हमें, मंगल गुरु शुक्र, मंगल गुरु शुक्र ही मिले ना, तो मंगल गुरु शुक्र से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स या उनसे जुड़ी हुई लाइन। अब ये भी देखिए यहाँ पे दशम भाव, क्योंकि प्रोफेशन का है, कर्म का है, मंगल बुध गुरु, तो गुरु और मंगल, अब यहाँ पे शिक्षा भी हो सकती है क्योंकि गुरु तो शिक्षा का भी कारक है, और यहाँ पे दशम भाव बुध और गुरु जो कि कर्म है, तो शिक्षा का क्षेत्र भी हो सकता टीचिंग है, टीचिंग टीचिंग वही कह रहा हूं ना, शिक्षा का क्षेत्र हो गया, टीचिंग हो गया, लेक्चरर हो गया, प्रोफेसर हो गया, इंस्टीट्यूट हो गए, आजकल स्टडीज के इतने इंस्टीट्यूट चल रहे हैं जहां पे पर सब्जेक्ट के 1500, 2000, 2500 ऐसे लिए जाते हैं चार्जेस, कोचिंग सेंटर कोचिंग सेंटर हो गए, तो आजकल बहुत कुछ है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि बच्चे का झुकाव किस तरफ है, उसके उस सब्जेक्ट में किस तरह के नंबर आते हैं, और क्या वो हमारे ये 4, 9, 11 हायर एजुकेशन के उसमें उनसे रिलेटेड प्लेनेट आ रहे हैं, और क्या दशम भाव के कर्म को भी साथ में, क्या बाद में उसके द्वारा उस काम के संबंध में उसको वो स्थिति मिलती है। और इसके अलावा एक और चीज ध्यान में रखें कि लगन और केंद्र में भी जो प्लेनेट होते हैं वो भी उस तरह की स्ट्रीम को जो है उसके बारे में बताते हैं। अब मान लीजिए आप में से किसी को अपने चार्ट के बारे में पता हो, तो वो जैसे क्या प्रोफेशन कर रहे हैं, कोई टीचिंग लाइन में है आप में से, विनय नायक जी,
क्या जुड़े हैं आज आप? एक मिनट, या बत्ता जी आप जुड़े हैं? जी मैं जुड़ा हुआ हूँ। आप टीचिंग लाइन में है ना? नहीं, मैं टीचिंग में नहीं, मैं फार्मा में था सर। ओके ओके ओके, अच्छा आप फार्मा में थे। टीचिंग लाइन में भी हमारे ग्रुप में एक मेंबर मेरे ख्याल से विनय नायक जी हैं। अच्छा कोई और अपने प्रोफेशन के बारे में बताएं। मैं एक मिनट उस सर मैं टीचिंग रचना में क्या पता? जी रचना जी, सर मैं टीचिंग लाइन में तो नहीं हूँ, बट मुझे एक चीज आपसे शेयर करनी थी स्टडीज से रिलेटेड। जैसे जी मेरा बेटा है, वो उसने 10th अपीयर किया, और पीछे मैंने कुछ क्वेश्चंस और क्वेरीज भी आपसे पूछी थी, तो आपने मुझे आंसर भी किया था। आज उसका रिजल्ट निकल के आया, और जी उसके चार्ट को मैं बराबर देख रही थी सर, 4-11 का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा आ रहा था, और आज रिजल्ट ने उसको बखूबी मतलब जस्टिफाई कर दिया कि उसके परसेंटेज बहुत अच्छे हैं, 95 के आसपास आए हैं सर, 94 समथिंग। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो थैंक यू सर, लेकिन मैं सिर्फ चार्ट के बेसिस पे मतलब ये सबको बताना भी चाहती हूँ कि इतना एक्यूरेट होता है कि आज तो आई वाज रियली सरप्राइज्ड कि 4-11 का कॉम्बिनेशन इतना स्ट्रॉन्ग था, जो हमारे सूक्ष्म लेवल पे जी जैसे महादशा दशा लेवल और अंतरदशा लेवल पे तो जो बन रहा था वो बन रहा था, बट जो टाइम पीरियड होता है ना सर, जो सूक्ष्म वाला कि 2 दिन का 3 दिन का, उसपे जी मैंने बराबर वॉच किया हुआ था, तो जी वो जो आज प्लेनेट लगा इसका और आज रिजल्ट आया एक्यूरेट बिल्कुल आया सर, ये जी तो हो रहा है, ये अपने कृष्णमूर्ति पद्धति की ना बहुत बड़ी वो अचीवमेंट है कि हम लोग एक्यूरेसी लेवल हम लोग यहाँ पे बहुत ले लेते हैं। जी जी बिल्कुल। 10th क्लास से या प्लस 2? हाँ जी 10th का, ओके 10th, बहुत अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो तो आपको। पुरानी पीछे नंबर से देखा था सर, पुरानी नंबर से? नहीं, बर्थ मैंने तो बर्थ चार्ट से ही देखा था, मैं उसकी मदर हूँ, तो बर्थ चार्ट से मैं वॉच रख रही थी कि जैसे जब प्लैनेट चेंज होता है हमारे सूक्ष्म लेवल पे, तो कब कौन सा प्लैनेट हमें क्या दे रहा है, तो जब मुझे था कि इस समय अगर रिजल्ट निकलेगा तो ऐसा आएगा, इस समय रिजल्ट निकलेगा तो ऐसा आएगा। अब जैसे आज रिजल्ट निकला, तो आज जो कॉम्बिनेशन बने उसको मैंने स्टडी किया, तो बिल्कुल एक्यूरेट जैसा सर बताते हैं कि जैसे हमारे ये कॉम्बिनेशंस आने चाहिए, बिल्कुल वही सेम कॉम्बिनेशंस, प्लस जो अभी सर बता रहे हैं कि हमें ये पता होना चाहिए, लाइक अभी ये क्लास में लिया सर ने, कि हमें ये जी पता होना चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है या बच्चे का क्या सब्जेक्ट है, उसके बेसिस पे हमें चॉइस करनी चाहिए। तो बिल्कुल बिल्कुल कभी होगा सर तो मैं आपको चार्ट दूंगी इसका। इसमें क्या है ना, जैसे जो 9th लेवल पे इसका राहु शनि बहुत मतलब सीधे सीधे आ रहा है नक्षत्र लेवल पे और सब लेवल पे, और मैंने उसको इंजीनियरिंग के लिए ही डाला ही है, तो ओके चार्ट देख के मैंने मतलब प्रॉपर पूरा जैसे आप समझाते हैं उस तरह से समझ के कि इस लाइन में कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो जैसे ही राहु शनि कनेक्ट हुआ तो मुझे ये कॉन्फिडेंस आ गया कि इस फील्ड में ये आगे जा सकता है। जी मंगल जी शनि इंजीनियरिंग राहु किस राशि में? राहु है सर इसका, है तो 10th भाव में मीन राशि में। ओके ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो विनय जी भी जुड़ गए हैं। विनय जी आप टीचिंग लाइन में हैं ना? विनय नायक जी, जी सर, ओके, आपको आपका लगन याद है? आपके लगन जी सर, मैं में टीच जी आप टीचिंग लाइन में हैं, तो आपका लगन में, एक मिनट आपका मैं चार्ट ही ले लेता हूँ। मेरे को ध्यान में था तो बाकी, मुझे अभी आपका चार्ट वैसे याद नहीं है, बट मैं सर टाइम बोलूं क्या? यही है। नहीं ये क्या हुआ? अच्छा ये तो हो रहा रही है, एक सेकेंड एक सेकेंड। सर लेकिन वो मेरा बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन होना चाहिए ऐसा लगता है मुझे, वो सब 6:30 बोलते घर के लोग, लेकिन मुझे वो ठीक नहीं लगता, समय 6:38 ऐसा कुछ लोगों के कंसल्टेशन में है, मैंने वैसे बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन किया है, वो चार्ट ज्यादा ठीक लगता है सर।
डेट ऑफ बर्थ बताइए। 7/11/75 सर, 7 नवंबर 1975। और टाइम जो घर वालों ने बताया है वो टाइम बताइए। वो 6:30 बजे कोई बात शाम नहीं, के, ओके। मतलब पणजी सर, गोवा। अब देखिए, जैसे कि हमने ये चार्ट लिया है और 6:30 बजे या इनको 6:38 लगता है, तो उस हिसाब से भी अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अब जैसे इन्होंने कहा है कि 6:30 इनके पेरेंट्स के हिसाब से और इनको 6:38 लगता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये लगन भी बदल रहा है। मंगल मेष जो है वो मेष लगन बिल्कुल ये कुछ मिनट के बाद ही बदल जाता है, फिर वृषभ लगन शुरू हो जाता है, ठीक है। और तो सबसे पहले तो मंगल और शुक्र में से, तो यहाँ पे यदि मैं देखता हूँ, अब यहाँ पे हम रूलिंग ग्रहों को यदि हम लेते हैं, तो क्योंकि ये मौजूदा समय में चार्ट बनाया हमने, तो जो भाव चलित को हम करते हैं तो ये मौजूदा समय के रूलिंग ग्रह आएंगे साथ में। तो यहाँ पे लगन का नक्षत्र स्वामी गुरु, लगन का राशि स्वामी शनि, चंद्र का नक्षत्र स्वामी सूर्य, राशि स्वामी मंगल और दिन स्वामी शुक्र। और अब यहाँ पे ये देखिए कि जो रूलिंग ग्रह हैं गुरु शनि सूर्य मंगल शुक्र, तो मंगल भी आ रहा है और शुक्र भी आ रहा है रूलिंग ग्रहों में। और इसके साथ साथ एक चीज़ और हम देखेंगे यहाँ पर कि चंद्रमा क्या स्थिति दिखा रहा है यहाँ पर। तो चंद्रमा के लिए ट्रांजिट साइन स्टार सब प्राणा ये हम लेंगे, क्योंकि हमने रूलिंग ग्रहों में देखना है। तो चंद्रमा मंगल की राशि में, सूर्य के नक्षत्र में, राहु के उपनक्षत्र में और गुरु के उपनक्षत्र में है। मंगल सूर्य राहु गुरु, और यहाँ पे हमने यदि हम देखें तो साइन लॉर्ड मंगल ही आ रहा है और रूलिंग ग्रहों में भी हमने, और इसके अलावा यदि हम देखते हैं तो लगन के जो हैं शनि गुरु शुक्र शुक्र, तो चंद्र के यदि हम लेते हैं सूर्य मंगल सूर्य राहु गुरु, तो मंगल सूर्य राहु गुरु यदि हम लेते हैं फिर तो इनका मेष लगन बनता है। फिर तो मेष लगन बनता है क्योंकि मंगल सूर्य राहु गुरु आ रहा था। तो मंगल सूर्य राहु यदि हम देखें और उसके बाद मंगल सूर्य राहु गुरु, तो 7 नवंबर 1975 को शाम के 6:31:19 पर मंगल सूर्य राहु गुरु, जो कि ट्रांजिट के समय में चंद्र के चारों बनते हैं। अगर इसको हम मैं अपडेट करता हूँ तो यहाँ पे मंगल इसको यदि मैं अपडेट करता हूँ, अभी हम एक दो चीज़ें देख लेते हैं। तो 18/31/19 ये टाइम जो है 32 भी हो सकता है सर, सेम दिखा रहा है 32। हाँ, हो सकता है बिल्कुल। अभी हमने देखा था 18/31/19 ऐसा है ना।
मंगल सूर्य राहु गुरु, ठीक है। और कोई खास तब्दीली नहीं आई। शिक्षा का कार्य करते हैं बुध या गुरु में से दोनों में, देखिए केंद्र में बुध आ ही रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब मैं चार्ट दूसरा बनाता हूँ, नॉर्थ वाला। तो बुध जो केंद्र में ग्रह होते हैं उनके द्वारा भी जो है शिक्षा के संबंध में कुछ और बताएं, शिक्षा में कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा आप। जी मैं इंग्लिश में 25 साल इंग्लिश सिखाता रहा हूँ सर। 25 साल राहु आपने इंग्लिश और फॉरेन लैंग्वेजेस। राहु का, राहु का राहु और बुध इकट्ठे हैं यहां पर, राहु और बुध इकट्ठे हैं। वही अक्सर देखा गया है कि जो लगन में या केंद्र में जो ग्रह होते हैं उनके द्वारा भी जातक का कारोबार या उससे जुड़ा हुआ जो है कार्य जातक के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। और यहाँ पर यदि हम देखते हैं, फोर्थ का सर नक्षत्र जो है वो मरकरी और फिर वीनस, मून और मरकरी। फोर्थ के कोरुलिंग मून चंद्र बुध शुक्र, नाइन्थ के गुरु शुक्र शनि, और देखिए टेंथ का शनि चंद्र बुध। तो बुध भी यहाँ पे जुड़ रहा वीनस को है, साहित्य लिटरेचर ही बोलते हैं, और वीनस को लिटरेचर। राहु जो है वो शुक्र की राशि में है, चौथे का उपनक्षत्र शुक्र है, नवे का नक्षत्र स्वामी शुक्र है। तो इसके अलावा लगन का उपनक्षत्र राहु है और जन्म का नक्षत्र स्वामी शुक्र है। तो राहु और शुक्र का देखिए संबंध बन रहा है, लगन के उपनक्षत्र का संबंध जन्म के नक्षत्र स्वामी के साथ। और नाइन्थ हाउस का नक्षत्र शुक्र है, तो लगन का उपनक्षत्र राहु है, राहु शुक्र की राशि में है, नवम भाव पिता का। तो बाकी चीजें तो और खैर जो हैं जैसे जो इवेंट्स होते हैं उनको मैच करने की बात, खैर 6 शाम के 6:31 19:01 और इस तरह से वो शिक्षा भी जो है, शिक्षा के संबंध में आप जैसे इतने सालों से आप करवा रहे हैं इंग्लिश, सर ये कैसे बताएंगे फिर इनसे, जैसे किस तरह से सब्जेक्ट जैसे फोर्थ से या नाइन्थ से देख के बता सकते कि क्या सब पढ़ा है क्या क्या। विनय जी एक बार आप बताएंगे कौन कौन से जब आप थे हायर एजुकेशन में, या कौन कौन से सब्जेक्ट या क्या आपने किया था। एक्चुअली मैं साइंस में शुरू मैंने किया सर, जो 11th और 12th साइंस में किया, फिर उसमें इंटरेस्ट चला गया तो आर्ट्स में आ गया, फिर उसमें इंग्लिश में मेजर करके एमए इंग्लिश एमफिल वगैरह करके इंग्लिश पढ़ाता रहा सर। उसके साथ बाकी फॉरेन लैंग्वेजेस वगैरह सीख ली, फ्रेंच अरबिक पर्शियन में से, उर्दू का कवि रहा हूँ, तो भाषाओं जी में ही ज़्यादातर रहा है सर सारा एजुकेशन। ओके भाषा के लिए सर वो लिटरेचर जैसे आता है ना, तो वीनस को ही देखते हैं जैसे वीनस को भी देखते हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए हम राहु को भी देखते राहु को भी हैं। देखते हैं। तो वीनस का भी संबंध है, राहु का भी संबंध है। मरकरी तो एजुकेशन वैसे हो जाता है। यहाँ पर एक चीज़ और हम देखते हैं, एक चीज़ और हम देख लेते हैं साथ के साथ ही, कि जैसे लगन लगन का उपनक्षत्र राहु है, मंगल सूर्य राहु गुरु, ठीक है। तो मंगल जो है दूसरे भाव में स्थित है, 1/8 का स्वामी है, यहाँ पे दूसरे भाव का नक्षत्र स्वामी है, छठे भाव का नक्षत्र स्वामी है, और मंगल यहाँ पे 11वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी है।
तो मंगल जो है एक तरह से इसको हम बढ़त की तरफ देख सकते हैं। सूर्य जो है लगन का नक्षत्र स्वामी, तो सूर्य को यदि हम देखते हैं छठे भाव में स्थित है, पांचवें का स्वामी है। और लगन का नक्षत्र स्वामी सूर्य स्वयं हो गया, और यहाँ पर उप नक्षत्र पर सूर्य कहीं नहीं है। उसके बाद राहु, लगन का उप नक्षत्र स्वामी राहु जो कि छठे भाव में स्थित है, और राहु को यदि हम देखते हैं तो 11वां भाव, ठीक है, 11वां भाव हो गया, लाभ का हो गया। और लगन का उप नक्षत्र स्वामी भी है 5वें का, 6ठे का, तो और साथ ही 12वां भाव भी। तो 12वां भाव भी विदेशी भाषा का है, 6ठा भाव प्राप्ति का है, लगन जिसके साथ एक तरह से जुड़े रहना, और टीचिंग पार्ट है पांचवां उसका संबंध भाव, लगन से। 5वां भाव ज्ञान का भी है। तो कुछ ना कुछ टीचिंग ये, जी नौवां जैसे 5वां नौवां टीचिंग से। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस प्रकार से कई तरह से हम देख सकते हैं। तो खैर प्रोफेशन के ऊपर या इसके ऊपर तो एक तरह से हम लगभग जो है चौथा भाव हो गया, 9वां भाव, 11वां भाव, इनको स्टडी करें, और साथ ही केंद्र या लगन में जो ग्रह हैं उनका प्रभाव पड़ता है। अब जैसे मेरे स्वयं के लगन में गुरु है, और आप भी जैसे टीच कर रहे हैं ना सर, वैसे टीचिंग बिल्कुल, कर रहे तो हैं। लगन में गुरु और केतु दोनों हैं मेरे। केतु, आप ये ज्योतिष पढ़ा रहे हैं, ज्योतिष जी, केतु और से। 9वां भाव में मेरे बुध है। तो इस तरह से भी बाकी कई बार बहुत सामने देखा है ऐसे कि लगन या केंद्र में जो ग्रह हैं उनके द्वारा भी प्रोफेशन और जो भी जातक कार्य करता है वो जुड़ता है। और इसके अलावा जो हम देखते हैं 4, 9, 11 भाव, इस तरह से भी। लगन में गुरु होने से एक लाख डिफेक्ट जो होते हैं हॉरोस्कोप के वो निकल जाते हैं, ऐसा पढ़ा था मैंने, सही है क्या? हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही है। अक्सर मैंने ये देखा है कि जब मैं किसी प्रॉब्लम में होता हूँ, या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी जो जैसे मान लो आ जाती है, तो मैं उसको हमेशा बड़ा मतलब कंट्रोल वे में, या इस तरह से कि कोई बात नहीं, इसका हल निकल आएगा, मतलब हो जाता है हल, ऐसा नहीं है कि सर नहीं होता। या जी लगन का गुरु सर घमंडी भी बनाता है। सर मेरे भी लगन में गुरु है। नहीं, घमंडी इस तरह से नहीं हम कह सकते कि घमंडी बनाता है। खैर ये तो अब देखने वालों का भी नजरिया होता है। सर मेरे लगन में गुरु है, 10th में केतु है सूर्य के लग्नेश के साथ, जी और बुध है, बुध सूर्य केतु 10th में है, और लियो लग्न है मेरा। बुध सूर्य केतु 10th में आपके, जी और प्रोफेशन, इनका प्रोफेशन बन जाएगा वो क्या करते हैं गुरु ज्योतिष में। गुरु लगन में है। जी हाँ, गुरु लगन में लियो में। ओके, एस्ट्रोलॉजी के अलावा और क्या करते हैं आप? सर टीचिंग में थी मैं। बस ठीक है, गुरु गुरु का प्रभाव देखिए लगन और केंद्र में। बाकी चौथे 9वें और 11, चौथे 9वें भाव के जो को रूलिंग हो गए उन प्लैनेट्स के द्वारा भी शिक्षा और किस प्रकार की लाइन में जाते हैं हम, वो हमें पता चलता है। फोर्थ में मेरा जो है वृश्चिक राशि है, और मेरा ना शनि और मंगल की राशियों का एक्सचेंज है। 7th में मेरा जैसे शनि की राशि कुंभ राशि है, 9 में मेरी मेष राशि, जी तो मेरा सप्तम में बैठा हुआ शनि मंगल और फोर्थ में बैठा हुआ शनि, मंगल की राशि में शनि, शनि की राशि मंगल। मंगल शनि का भी परिवर्तन। राशि परिवर्तन है जी, खैर सर। मेरे बेटे के में, सर बेटे के में लगन लॉर्ड 10th में बैठा है सर, बुध गुरु के साथ, क्या करते हैं वो? वही मॉडलिंग वगैरह में जाने का कर रहा है सर। लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल रही। अभी तो स्टार्टिंग है सर उसकी,
जी ठीक है। खैर सर उसका मिथुन लगन है ना। मिथुन लगन है मेरे ख्याल से, आपके बेटे का चार्ट देखा हुआ है मैंने। हाँ, देखा हुआ मैंने, कहा था ना सर एक बार आपको दिया भी था, जी, उनको मेरे ख्याल, आपने किसी को कहा भी था हाँ, मॉडलिंग वगैरह में कुछ एक तरह से स्ट्रगल ही चल रहा है। जी, ये तो की माता था चल रही बट वो हायर एजुकेशन की तरफ तो भी तो जा ही रहे थे, कुछ करने लगे थे। हाँ, माफी इंटरेस्ट होगा सर आपका। ओके ठीक है। खैर फिलहाल अभी हम जैसे चौथे भाव के ऊपर कर रहे हैं, आज हमने एक घर बेचने के संबंध में, डील के संबंध में हमने समझा है, और भी शायद कई पॉइंट हमने समझे हैं, तो आगे हम चौथे भाव के ऊपर कई उदाहरणों को लेंगे जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, परीक्षा में सफलता के लिए, या इनसे जुड़े हुए और प्रश्न होंगे, माता से रिलेटेड प्रश्न होंगे, भूमि वाहन से रिलेटेड प्रश्न होंगे, तो ऐसे हम कई उदाहरणों को आगे हम करेंगे। ठीक है, तो आज काफ़ी समय हुआ है, सर तो ये डेट ऑफ बर्थ की रेक्टिफिकेशन सर ये समझ में आई है? उसके संबंध में अभी हम नहीं जाएंगे, उसके संबंध में अभी हम नहीं जाएंगे, उसके संबंध में मैं आगे आपको बताऊंगा। सर फिलहाल आज की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या? क्योंकि मैं ज्वाइन नहीं हो पाई थी, मेरा जी कनेक्शन नहीं हो जी पाया था बिल्कुल सर। बिल्कुल, रिकॉर्डिंग मैं क्लास के बाद भेज रहा हूँ। जी तो आज और अभी के लिए इतना ही, सभी को शुभरात्रि। नमस्कार सर। नमस्कार।